माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाजवाड़, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि दीपक क्यों जलाते हैं, कब जलाना चाहिए, कितनी देर जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ में यूं तो बहुत सारे कर्मकांड पिछले कुछ दशकों में या पिछले कुछ सौ वर्षों में प्रवेश कर गए हैं और उससे बहुत सारी भ्रांतियां भी उत्पन्न हुई हैं, लेकिन जो पूजा का मूल है वो बहुत वैज्ञानिक है और हजारों वर्षों में जाकर ये खोज हुई है। भारतीय संस्कृति जो पनपी है वो 10-20-150 सालों में नहीं, हजारों वर्षों में पनपी है और हर जगह बहुत शोध हुए हैं, उसके बाद कुछ नियम बनाए गए हैं जो मानव कल्याण के लिए हैं। दीपक जलाने से देवताओं की जिंदगी में उजियारा नहीं होता, हमारी जिंदगी में होता है। दीपक क्यों जलाते हैं? दुनिया का फर्स्ट हैंड बेस्ट प्यूरीफायर दीपक है, इसलिए जलाते हैं। दरअसल ऑक्सीजन की जितनी उचित मात्रा जिस घर में होगी या जिस व्यक्ति में होगी, वहां दुख, कष्ट, अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा उतना ही कम होगा, स्वास्थ्य उतना बेहतर होगा। भारतीय संस्कृति और परंपरा में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर बल दिया गया है, बल्कि मैं बिल्कुल गलत नहीं होऊंगा अगर ये कहूं कि मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक बल दिया गया है। दीपक जलाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही मानसिक स्वास्थ्य है। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसे ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो सकती या उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती या वह दिव्य शक्तियों से कभी भी जुड़ नहीं सकता। वह नाटक कर सकता है, उसको भ्रम हो सकता है, उसको कल्पनाएं उसके अंदर जन्म ले सकती है और वह उस प्रकार की कोई बातचीत करना शुरू कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जब तक अच्छा नहीं है, व्यक्ति कभी भी दिव्य ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि ऋषि पातंजलि योग में इसी बात को लेकर पहले शरीर को शुद्ध किया, इंद्रियों को शुद्ध किया, उसके बाद मन को शुद्ध किया, तब जाकर कोई व्यक्ति ध्यान अथवा समाधि में पहुंचता है, उन शक्तियों से जुड़ता है। दीपक यहीं पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। यदि आपके घर में पूरे दिन में लगभग 3 घंटे दीपक जलता है तो आपके घर का ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा, आपके घर की नेगेटिविटी जानी शुरू हो जाएगी, आपके घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? दीपक क्या है? सूत से जलता है, अभी तो उसमें रुई का भी प्रयोग होने लगा है, ठीक है, वह भी बुरी कोई गलत बात नहीं, उसमें सूत का प्रयोग होता है और सूत का प्रयोग किसमें होता है? मूलतः घी। और कौन सा घी? आज तो हम इसे शुद्ध अशुद्ध घी कहने लगे हैं, लेकिन एक वक्त में तो घी मतलब शुद्ध घी ही होता था, घी मतलब देसी घी ही होता था। गौधृत जिसे कहते हैं, यानी गाय के दूध से बना हुआ घी, और गाय भी कौन सी? देसी गाय, भारतीय गाय, जो शुद्ध इंडियन ब्रीड की गाय होती है, उसके दूध में जो ताकत होती है वह दुनिया के किसी दूध में नहीं होती। उससे बना हुआ जो घी है उसमें सूत की बत्तियां डालकर यदि हम अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तो हमारे घर में बहुत सकारात्मकता आती है, लोगों के मन शांत होते हैं, लोगों के बीच में प्रेम पनपता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का स्तर बढ़ता है, कर्मठता का स्तर बढ़ता है, मानसिक शांति का स्तर बढ़ता है, इसलिए उसके रिश्ते नाते बेहतर होते चले जाते हैं। यह वाला दीपक जलाने का विधान है। इसके इतर 1 बत्ती का 3 बत्ती का या पंच प्रदीप यानी 5 बत्तियों का दीपक जलाने का भी विधान है। मैं ये निवेदन करूंगा आपसे कि यदि आपके घर में नकारात्मकता बहुत है, स्वास्थ्य ज्यादातर लोगों का खराब रहता है,
लोग चिड़चिड़ाते हैं, लोग गुस्सा करते हैं, और आपके घर में यदि एक उचित सा स्थान है तो पंच प्रदीप ही प्रज्वलित किया करें, सुबह, दोपहर और शाम। पंच प्रदीप सुबह उस वक्त जब भोर हो रही है, जब भोर हो रही है, जब रात जा रही है, उस समय पंच प्रदीप। दूसरा मध्याह्न, जब सूर्य हमारे सर पर है, और ये जाड़ों का वक्त अलग होता है, गर्मियों के वक्त में अलग होता है, जब सूर्य हमारे सर पर है उस समय, और संध्या का समय डस्क। तो डॉन, डस्क, इन दोनों समय, और जब सूर्य हमारे सर पर है दोपहर में, उस समय में पंच प्रदीप जलाने से बहुत लाभ होता है। और कम से कम कोशिश ये कीजिए कि घंटा भर यह पंच प्रदीप प्रज्वलित हुआ करे, और आप देखिएगा कि कुछ समय के अंदर आपके घर के वातावरण में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, लोगों के मिजाज में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे, घर के बच्चे अच्छे विद्यार्थी बनना शुरू हो जाएंगे। जगह की बात मैंने इसलिए की क्योंकि पंच प्रदीप में ज्वाला अधिक होती है, इसलिए जब भी इसे जलाएं संभल के जलाएं, एक खुले से स्थान में जलावें, और अच्छा रहता है यदि इसको शीशे के बर्तन से आप ढक दें। अब दूसरा प्रश्न यह है कि यह दीपक किस स्थान पर जलाएं? इसको पूर्व से, पूर्व दक्षिण के बीच में किसी स्थान पर जलाना चाहिए। यदि आपकी पूजा उत्तर या उत्तर पूर्व में है तो वहां भी आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन पूर्व सर्वश्रेष्ठ दिशा है दीपक प्रज्वलन की। जिन घरों के अंदर पूर्व में लगभग 3 घंटे दीपक प्रज्वलित होता है, और वह भी पंच प्रदीप प्रज्वलित होता है, उन घरों का सूर्य बहुत अच्छा होना शुरू होता है। जिस घर की पूर्व दिशा कमजोर होगी या जिस घर की पूर्व दक्षिण दिशा कमजोर होगी, उस घर का सूर्य कमजोर होगा, और उस घर के लोगों के रिश्ते नाते अच्छे नहीं होंगे, उस घर के लोगों की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं होगी, उस घर के लोगों की दोस्ती अच्छी नहीं होगी, और उस घर के लोग काबिल होते हुए भी समाज में एक बड़ा स्थान हासिल नहीं कर सकते, सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल नहीं कर सकते, इसलिए घर का सूर्य बेहतर होना आवश्यक है। दूसरी बात, जिस घर का सूर्य कमजोर होता है वहां पितृदोष और भी ज्यादा परेशान करता है। जिस घर का सूर्य कमजोर होता है उस घर के लोगों का आत्मबल कमजोर होता है। जिस घर का सूर्य कमजोर होता है वहां के लोग आपस में लड़ते बहुत हैं, और एक अजीब सा डर उनके मन में रहता है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, रात में जब सोते हैं तो बड़े स्वप्न आते हैं, या रात में जब सोते हैं तो भूत प्रेत सा लगता है। दरअसल ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। सूर्य कमजोर होने की वजह से व्यक्ति के अचेतन मन में एक अजीब सा डर होना शुरू होता है, जो उसके चेतन मस्तिष्क और शरीर को प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है, जिसकी वजह से वह डर के स्वयं में कुछ कल्पनाएं करता है, और उन कल्पनाओं को वह भूत प्रेत समझना शुरू कर देता है। यह स्थिति समाप्त तो हो जाती है यदि घर में नियमित रूप से दीपक प्रज्वलित होना शुरू हो। यह घर का वातावरण शुद्ध कर रहा है, क्योंकि वह सूत जैसे जैसे जलता है, वह बर्तन जैसे जैसे गर्म होता है, वैसे वैसे उस बर्तन में भरा हुआ गौद्रत वाष्प बन के उस घर के अंदर फैलना शुरू होता है, एयर प्यूरिफाई होनी शुरू हो जाती है। भारत से यह चीज सीखकर दुनिया के अनेक देशों ने अपने घर में दीपक जलाना प्रारंभ किया है, या अपने घर में अग्नि स्थान में उन्होंने गौद्रत डालना शुरू किया है। इससे उन्हें बहुत लाभ महसूस होता है। आप कभी दीपक के पास बैठेंगे तब ये बात जानेंगे। दीपक प्रज्वलित करके उसके पास बैठिए और तब आपको दीपक की शक्ति का पता चलेगा। इसीलिए लिखा है शुभम करोति कल्याणम, वह शुभ करता है, कल्याण करता है, वह बल और बुद्धि बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। विद्यार्थियों के लिए खास बात, यदि विद्यार्थी ये नियम बना ले कि वह
दीपक के पास बैठेंगे और थोड़ी देर ध्यान करेंगे और गहरी गहरी सांस लेंगे तो उनका शरीर मस्तिष्क बेहतर कार्य करना शुरू कर देता है। अब दीपक से पूजा क्यों और कैसे की जाती है, आपको उस दीपक का इस्तेमाल कैसे करना है, यह बताने वाला हूं मैं। बस फिलहाल मेष राशि से कन्या राशि तक का हाल बता दूं। मेष राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कष्ट देने वाला सिद्ध हो सकता है, धैर्य रखिएगा, भोजन सरल लीजिएगा, सुपाच्य लीजिएगा, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है, ठंड से बचने की कोशिश करनी है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, हंग हनुमते नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए ये वक्त अच्छा है, रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, काम के प्रेशर से आज आप अपने आप को मुक्त होता हुआ पाएंगे, कुछ अच्छे लोगों के सानिध्य की वजह से आपके अंदर चैतन्यता बढ़ेगी, अच्छा लगेगा आपको। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, उससे घर गृहस्थी में सुख शांति का अनुभव होगा और वह उपाय यह है, आज लोगों को अपने हाथ से जल पिलाइएगा। मिथुन राशि, धन की दृष्टि से यह दिन थोड़ा सा कमजोर अवश्य है, बाकी कुल मिला के यह दिन अच्छा है। यदि आप प्रमोशन की बात करना चाहते हैं तो इस दिन प्रयास कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। एक छोटा सा उपाय, धन बर्बाद ना हो या चोरी ना हो जाए या कीमती चीज आपकी गायब ना हो जाए या उसका नुकसान ना हो जाए, इस कारण से आप 8 वर्ष से छोटी कुछ कन्याओं को भोजन अवश्य दीजिएगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, क्रोध पर काबू रखने की आवश्यकता है, यह दिन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, व्यस्तता की वजह से शरीर थोड़ा ढला ढला सा महसूस करेंगे आप, या फिर कुछ एक अजीब सी उदासी आपको घेर सकती है या कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। आप एक काम करें, सुगंधित जल से स्नान करें या स्नान करके सुगंध लगाएं और ध्यानस्थ होकर थोड़ी देर नमः शिवाय का जप करें और आप देखिएगा आपके अंदर तुरंत स्फूर्ति और ऊर्जा आप महसूस करने लगेंगे, फिर अपने काम पर जुटिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आपको तेज गति से वाहन चलाते वक्त बहुत सतर्क रहना होगा, आज तेज गति से वाहन चलाइए ही मत, दौड़ते भागते और खासतौर से ऊपर से नीचे उतरते भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक है। वैसे कुल मिला के दिन है ठीक, इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस मेहनत बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि भाग्य पक्ष कमजोर है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, अभी थोड़ा सा गेहूं आप साथ लीजिए या आटा ले लीजिए और उसे किसी गरीब को देते हुए फिर अपने काम पर जुट जाइएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, भाग्य पक्ष अच्छा है लेकिन आपको मेहनत करने से ही परिणाम मिलेंगे, इसलिए आज आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपने लक्ष्य पर डटे रहिएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगी, भटकना नहीं है। दोपहर बाद एक चीज का ध्यान और रखें, कोई आपको भ्रम जाल में डाल सकता है जिससे आपका आगे जाकर कोई भारी नुकसान हो जाए, इससे थोड़ा सा बचें, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो। एक छोटा सा उपाय कीजिएगा ना, गणपति जी को दूर्वा भेंट करनी है और गौ माता की किसी भी रूप में सेवा करनी है, फिर अपने काम पर जुटना है, तो सब ठीक करेंगे। दीपक की हम लोग बात कर रहे हैं, दीपक का वैज्ञानिक कारण क्या है जिसे उसे प्रज्वलित किया जाता है, यह मैं आपको बता चुका हूं। अब दीपक और आरती का क्या संबंध है, एक तो ये मुझे आपको बताना है, दूसरी चीज यह है आरती करते कैसे हैं, यह मुझे आपको बताना है। और हम आरती की बात कर रहे हैं, आरती करते कैसे हैं, सामान्यता क्या होता है, हम यूं 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 करते हैं और आरती रख देते हैं जैसे अपना काम पूरा हो गया। आरती का संबंध सीधे सीधे हमारे भी चक्रों से होता है और हम पंच प्रदीप
कि जितने सानिध्य में रहेंगे उतना अच्छा है। यदि पांच दीपक के नहीं है तो एक बत्ती की या तीन बत्ती की, पांच बत्ती की, सात बत्ती की, ग्यारह बत्ती की, वो आप कैसे भी जलाएं, लेकिन जो आरती करने का तरीका है वो यह है कि हम आरती के संपर्क में अधिक से अधिक रहे। हम अग्नि के संपर्क में जितना रहेंगे उतना हमारा शरीर बेहतर होगा, हमारे शरीर के चक्र जागृत होंगे। अग्नि साधना एक होती है बड़ी विशेष, खैर इसके बारे में तो हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अग्नि साधना जो लोग करते हैं उनके अंदर बड़ी तेजी से दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। उसी का एक सूक्ष्म रूप है आरती। कैसे? मान लीजिए आप जिस देवता की प्रतिमा की अथवा चित्र की पूजा करते हैं वो आपके सामने है। अब आरती करते कैसे हैं ये सुनिए। जिन भी देवता की आरती हम कर रहे हैं उनकी प्रतिमा की अथवा चित्र की, एक बत्ती से, तीन बत्ती से, पांच बत्ती से, सात बत्ती से, ग्यारह बत्ती से, जैसे आपकी इच्छा, तो वह करनी क्या है, एक थाली आप ले लीजिए या हाथ से आप कर लीजिए जैसी आपकी सुविधा हो। यदि आप उसमें कुछ कपूर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि वातावरण भी महकता है और हमारा मस्तिष्क कपूर से बहुत मजबूत होता है। तो आपने गौधरण डाला, बत्ती जलाई, अब सबसे पहले प्रभु के चरणों की आरती होती है चार बार, ठीक है ना, चार बार चरणों की आरती होगी, यानी आरती के प्रकाश में प्रभु के चरणों का दर्शन करना। मुझे नहीं पता आपने कभी ऐसा किया है या नहीं, लेकिन आज मेरे कहने से कीजिएगा, अद्भुत आनंद की प्राप्ति ना हो तुरंत तो बात है। दो बार नाभि, फिर एक बार चेहरा और फिर सात बार उनके चारों ओर इस प्रकार से आप आरती करेंगे। यह होता है आरती करने का तरीका। आरती से जुड़ा हुआ आपको एक बहुत विशेष उपाय मुझे बताना है, जरूर सुन लीजिएगा, लेकिन पहले तुला राशि से मीन राशि तक का हाथ। तुला राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, नई ऊर्जा के साथ जुटिए। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किसी के विरुद्ध कोई बात ना कहें, किसी की निंदा ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। एक छोटा सा उपाय, नमः शिवाय का जप। वृश्चिक राशि, संभल के वाहन चलाना है, बोलना बहुत संभल के इस दिन, आपकी सही बात से आज आपको लाभ हो सकता है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, गुड़ का दान आज जरूर दे दीजिएगा, या गुड़ से बनी हुई कितनी चीजें आजकल मार्केट में आ रही है, लोगों को खिलाइएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि, भाग्य पक्ष अच्छा है, कुछ विशेष कार्य कीजिए, रुके हुए कार्यों को करने की कोशिश कीजिए, या आपकी कोई खास चीज किसी के पास है या कोई धन आदि किसी के पास है उसे मांगने की कोशिश कीजिए, मिल सकता है। हल्दी का तिलक मस्तक पर धारण करें, अपने काम पर जुटें। मकर राशि, दोपहर के बाद थोड़ा सा समय आपका बेहतर होगा, लेकिन फिर भी इस दिन चौकन्ना रहना है, कोई आपको बेवकूफ ना बना दे, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज आप धन का निवेश ना करें, उड़द की दाल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, अपने सिर आंख गले का विशेष ख्याल रखिएगा, बाकी कुल मिला के समय ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओम घृणी सूर्याय नमः का भी जप कीजिए, जितना भी आप पे वक्त हो बस ध्यानस्थ होके कीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, समय थोड़ा सा कमजोर है, रिश्ते नातों का ध्यान जरूर रखिएगा, बाकी धन आदि की दृष्टि से सब ठीक है। एक छोटा सा उपाय कर लें, बेसन की मिठाई का दान इस दिन जरूर कर दें, बाकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा।
आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, कहीं विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ विदेश जाने का मौका मिल सकता है, स्थानांतरण चाहते हैं तो उसका मौका मिल सकता है, कुछ नए अच्छे मित्र बनेंगे, कुछ अच्छे रिश्ते जुड़ेंगे जिनसे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। एक उपाय जरूर कर लीजिएगा, चांदी की चेन आज दिन में किसी भी वक्त अपने गले में जरूर डाल लें। और दूसरी चीज ये है कि अपने आप को इन 12 महीनों में भावनात्मक रूप से इमोशनली स्ट्रांग रखिएगा, कोई भी परेशानी आपको परेशान ना कर सके, और ठंडी चीजों से परहेज इन 12 महीनों करना है। बाकी सब ठीक होगा, चिंता ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट। चलता हूं, चलने से पहले 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। सर्वश्रेष्ठ आरती होती है मिट्टी के या आटे के दीपक से, लेकिन इसके इतर आप तांबे का अथवा पीतल का दीपक के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी अथवा सोने के दीपक का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ विशेष ओकेजन्स के लिए तो ये ठीक है, सामान्यतः इसको नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, कर भी सकते हैं, उससे कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मिट्टी का अथवा आटे का खुद बनाकर दीपक यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत लाभ होगा। ये जिस घर के अंदर बहुत नकारात्मकता रहती है, जिस घर के अंदर लोग शराब मांस का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं और चाहते हैं उसे छोड़ना, तो ऐसे लोगों को रात में दीपक जलाकर थोड़ी देर अपने इष्ट का नाम लेकर फिर सोने जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ घंटे यह दीपक जलता रहे। आप देखना आपका मन विचार बदलना शुरू हो जाएगा। मैं चलता हूं, आप बहुत खुश रहिए और आज दिन में खूब चम के काम कीजिए और खुशी खुशी। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।